हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकाज ग्रीन चिली। आज हम बनाएंगे दाल मखनी। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए, दाल मखनी बनाने के लिए 2 कप साबुत उड़द या माँ जो कहते हैं उसे लूँगी। दो कप लेके इसे मैं भिगो दूँगी कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए, और इसको अच्छे 4 से 5 बार पानी में अच्छे से आपको धोना है। जब तक इसके यहाँ से ब्लैकनेस थोड़ी कम हो जाए तब तक आपको अच्छे से धोना है इसको। उसके बाद आप 3 घंटे के लिए इसे भिगो देंगे। तीन घंटे दाल भिगो दी है। भिगोने के बाद इसको मैं साफ पानी में गैस पे रख दूंगी। डालूंगी 2 या 3 बे लीव्स, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, एक चम्मच नमक, और थोड़ा सा सरसों का तेल, बस इसको मैं बॉईल होने रख दूंगी। पानी आप अपने अकॉर्डिंगली चलाएं। मैंने 2 कप दाल ली है तो मैंने 6 कप पानी डाला है इसमें, और इसको मैं धीमी आंच में पकने दूंगी, और हाफ बॉईल पे इसको हमें सीटी खोल देनी है। दाल ले लेंगे, उसमें मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून ऑफ घी, देसी घी, आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। उसके साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा सरसों का तेल इसके साथ ही। सरसों के तेल से टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल में। अब मैं इसमें डालूंगी 2 बड़ी कटी हुई प्याज, इसे भूनने दूंगी ट्रांसपेरेंट होने तक। प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगी जीरा, एक लाल मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मैं 2 बड़े टमाटर चॉप करे हुए वो डाल दूंगी, और इसे भी थोड़ा गलने तक 5 मिनट तक भून लेंगे। अभी मसाला भूनने लगा है, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे जिससे कि हमारा मसाला जले ना और टमाटर अच्छे से गल जाए। इसको 2 से 3 मिनट तक हम और भूनने देंगे। इसमें डालेंगे इलायची और दालचीनी का पाउडर पीस के। भुनने के बाद ऐसा हो जाएगा। अब मैं इसे पीस लूंगी पेस्ट को, जिस तरह से हो जाएगा यही पेस्ट जो हमने बना लिया है ये मैं दाल में डाल दूंगी। एक कटोरी मलाई, घर की मलाई है मेरी, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मैंने 1 कटोरी मलाई डाली है। अब इसे मिला लेंगे हम। मैं थोड़ा पानी डालूंगी क्योंकि हमें इसे भी 20 से 25 मिनट तक पकाना है ऐसे सिम गैस पे। मैंने इसमें 2 चम्मच देसी घी डाला है और 1/2 कटोरी प्याज। अब इसका हम तड़का तैयार करेंगे। प्याज को हमें भूनने देना है। प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट कलर की हो गई है,
इसके साथ ही मैं दो लाल सूखी लाल मिर्च डाल दूंगी, इसको भी भून जाने देंगे अच्छे से। थोड़ी सी मैं हींग डालूंगी, एक चम्मच जीरा, लाल मिर्च। हमारा तड़का रेडी है, हम इसको डाल देंगे। इट्स रेडी टू सर्व।